हाय, आई एम डॉक्टर वहीद खान। मैं ब्रह्मानंद NH मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं बताना चाहूँगा कि डायलिसिस कब करते हैं, व्हेन टू स्टार्ट डायलिसिस, व्हेन डायलिसिस इंडिकेटेड। डायलिसिस जो करते हैं, जनरली लोगों के दिमाग में यही बात रहती है, जनरल लोग यही समझते हैं कि जब किडनी नहीं काम कर रही होती है तब हम डायलिसिस करते हैं। और किडनी नहीं काम कर रही होती है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्रिएटिनिन यूरिया करके ब्लड का टेस्ट होता है, उसको रिपोर्ट जो आती है उसमें बढ़ा रहता है, वो बहुत ज़्यादा रेज होते हैं तभी करते हैं। इंडिकेशन क्या क्या होता है? इंडिकेशन में एक तो क्रिएटिनिन यूरिया बढ़े रहना चाहिए, लेकिन ये कोई लेवल नहीं होता है जिसके ऊपर डायलिसिस करना ही चाहिए, ये भी बात समझने की ज़रूरत है। क्रिएटिनिन यूरिया का नॉर्मल लेवल जो क्रिएटिनिन का होता है वो 1 के नीचे रहता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी का 8 क्रिएटिनिन है तो डायलिसिस शुरू कर देना है, किसी का 10 है तो शुरू कर देना है, या 5 है तो शुरू कर देना है, नहीं। एक खाली हमें एविडेंस से ये होता है कि किडनी इनका डिजीज़ है, डैमेज है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा होना चाहिए। उसके साथ पेशेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिम्टम होने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब डायलिसिस करते हैं। सिम्टम क्या क्या होनी चाहिए? उसके बदन में स्वेलिंग रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इंस्पाइट ऑफ मेडिकेशन, मतलब स्वेलिंग की दवा लेने के बाद भी स्वेलिंग सबसाइड नहीं कर रही है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि उसकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है। दूसरा, उसको भूख नहीं लग रहा है, लंबे समय से उनको भूख नहीं लग रहा है, उसकी वजह से वेट लूज़ हो रहा है, जब वो खाते हैं तो रिपीटेड वोमिटिंग होता है, तब करना है। बदन में नोच है, ईचिंग है पूरे बॉडी में, मतलब उसका नर्व डैमेज हो रहा है, तब करना है। चौथा, सांस फूल रहा है, लंग्स में पानी आ जाता है तो सांस फूलता है, पेशेंट चलता है तो सांस फूलता है, लेटता है तो सांस फूलता है, वो आराम नहीं हो रहा दवा के बाद, तब डायलिसिस शुरू करना है। या नहीं तो नर्व डैमेज हो रहा है, पैर में जो है वीकनेस आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन है, या आदमी बेहोश होने लग रहा है, क्रिएटिनिन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रेन पे असर करता है तो लोग बेहोश होने लगते हैं, उसका अल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, अड़बड़ बातें कर रहा है, या मिरिकी अटैक होने लग रहा है, सीजर हो रहा है, तब डायलिसिस शुरू करना है। ये सब एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। या नहीं तो क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है बहुत जगह से, तो अगर ब्लीडिंग भी हो रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है तब ट्रीटमेंट करना है। या नहीं तो आदमी जो है माल न्यूट्रिशन में जा रहा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट वो कंटिन्यूसली वेट लूज़ कर रहा है और वीक हो रहा है, तो वो लिटरली मर रहा है, तो उस वक्त डायलिसिस पहले शुरू करके उसका न्यूट्रिशन बढ़ा करके उसे बचाने की ज़रूरत है। ये हुआ सिम्टम वाइज। दूसरा देखते हैं लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट में कहा जाता है कि पोटाशियम जो है वो बढ़ा होता है जब 6 के ऊपर रहे, 5.56 के ऊपर रहे स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, तब देते हैं। या एसिड बदन में ज़्यादा बन जाता है, बाइकार्बोनेट नाम का एक टेस्ट करते हैं, उसका लेवल 15 से कम हो, या एक पीएच टेस्ट करके देखते हैं ब्लड का, उसमें भी अगर एसिडोसिस ज़्यादा है, पीएच लेस देन 7.2 है, तब करते हैं। ये सब एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जहाँ हमको डायलिसिस शुरू करना पड़ता है टू सेव द लाइफ, जान बचाने के लिए। थैंक यू।